जिस देवी देवताओं को हम लोग पूजा करते हैं, घर में सजा के रखते हैं, और उसी देवी देवताओं को आप देखिए, अगर किसी कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है उसका तस्वीर, तो कितना बुरा लगेगा आपको। देखिए दोस्तों, ये देखिए, मैंने अभी कचरे के ढेर से इस डब्बे को उठाया है, और देखिए यहाँ पर काली माँ का तस्वीर है। देखिए आप भी गौर से देखिए, यहाँ पर देखिए कंपनियाँ अपना सामान बेचने के लिए किस हद तक जा सकती है, आप देख सकते हैं। माँ काली का तस्वीर छाप दिया है अपना सामान बेचने के लिए, और जिसका नतीजा आप देख सकते हैं, सामान बिकने के बाद इस डब्बे के लोग कहाँ फेंका है, कचरे के ढेर फेंक दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना गंदा कचरे का ढेर लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, कंपनी वाले से स्पेशल रिक्वेस्ट है, ऐसा डब्बा छापना आप लोग बंद कीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। आप किसी भी देवी देवताओं का फोटो छापते हैं और उस डब्बे को लोग कहीं भी कूड़े कचरे में फेंक देते हैं इस्तेमाल करने के बाद, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं। जिस देवी देवताओं को हम लोग पूजा करते हैं, घर में सजा के रखते हैं, और उसी देवी देवताओं को आप देखिए, अगर किसी कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है उसका तस्वीर, तो कितना बुरा लगेगा आपको। आप सामान बेचते हैं, बेचिए, ठीक है, लेकिन किसी भी देवी देवताओं का फोटो ऐसे मत छापिए। उसके बाद जो भी ग्राहक भाई लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे अगर देवी देवताओं का छापा हुआ अगर कोई तस्वीर मिलता है या कोई प्रोडक्ट मिलता है, खरीदते हैं तो उसका निष्पादन भी अच्छे तरीके से कीजिए। नहीं तो अगर आप ऐसे लेते हैं, एक सामान यूज करते हैं और कचरे के ढेर फेंक देते हैं, जिसका नतीजा होता ये है कि कहीं भी आप इन कचरे के ढेर में देख सकते हैं इसे फोटो तस्वीर को। अरे भाई, सामान खरीदते हैं आप, अक्सर देखिएगा किसी सिंदूर के डब्बे पर, किसी अगरबत्ती के डब्बे पर भगवान का तस्वीर आपको मिल ही जाएगा, जो ज़्यादातर कंपनियाँ इस्तेमाल करती हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आप सामान बेचने के लिए इतने हद तक जा सकते हैं, ये बहुत गलत बात है, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि कोई भी डब्बा कचरे के ढेर में ही मिलेगा। अक्सर लिखा हुआ रहता है उस डब्बे पर कि इसका इस्तेमाल करने के बाद नदी में प्रवाहित करें या गंगा में प्रवाहित करें। अरे भाई, गंगा में भी प्रवाहित करेंगे, वो भी तो उसमें भी तो कचरा हो जाएगा ना, वो भी तो प्रदूषित होगा, इसको हम लोग जला नहीं सकते हैं। बहुत लोग समझदार होंगे तो इस्तेमाल करने के बाद नीचे मिट्टी में गाड़ देंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी वालों से और खरीदने वालों से, ग्राहक लोगों से, कि ऐसे सामान ना खरीदें जिसपे देवी देवताओं का फोटो लगा हो। अगर लगा भी हो, अगर खरीद भी लेते हैं, तो इसका इस्तेमाल करने के बाद इन डिब्बों को मिट्टी में गाड़ दे, जो कहीं गलत जगह पर ना पहुंच पाए। दोस्तों, जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे ना, तब तक कंपनियां ऐसे ही करते रहेंगे। दोस्तों, हम लोग को बस यही करना है कि कोई भी अगर सामान खरीदते हैं तो देख लेना है कि उसमें देवी देवता का तस्वीर है क्या। अगर नहीं खरीदेंगे तो सामान बिकना बंद हो जाएगा उस कंपनी का, जिसके कारण क्या होगा कि वो देवी देवताओं का फोटो छपना बंद कर देगा। ठीक, अगर हम लोग चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और बस यही करना है। अगर आप ऐसा अगर डब्बा इस्तेमाल भी करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से निष्पादन कीजिए, उसको इस्तेमाल करने के बाद मिट्टी में गाड़ दीजिए, कहीं भी पैर ना पड़ेगा, किसी कचरे के ढेर में नहीं जाएगा। अगर आप लोग नहीं समझिएगा तो ऐसा इस्तेमाल होते रहेगा और ऐसे ही देवी देवताओं का अपमान होते रहेगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों में जागरूकता आए और ऐसे काम होने से बचे, देवी देवताओं का अपमान होने से बचे। धन्यवाद।